हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एचपी जनरल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो मैनेजर जनरल की पोस्ट होती है उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। और पहली बार अगर चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल ऐप पर मिल सके। सो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले इसमें बता दूं आपको, जो मैनेजर जनरल की ये पोस्ट होती है एचपी जनरल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन में, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसमें सबसे पहले आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, देन आपका होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा वो होगा 100 मार्क्स का। इसमें होंगे आपके 100 क्वेश्चन। अब बात करते हैं वो 100 क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आपसे पूछे जाएंगे और सिलेबस क्या रहेगा इसका। तो सिलेबस की बात करें तो 80 क्वेश्चंस जो आपके होंगे वो लिए जाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑफ लेबर वेलफेयर मार्केटिंग मैनेजमेंट से। जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उस क्वालिफिकेशन के बेस पे आपसे 80 क्वेश्चंस जो हैं आपके पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस जो होंगे बाकी वो होंगे जनरल नॉलेज ऑफ एचपी से, और बाकी के 10 क्वेश्चंस होंगे नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पे, यानी कि जो आपके करंट इवेंट्स होते हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के। तो 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके करंट अफेयर, 10 क्वेश्चन होगा जनरल नॉलेज ऑफ एचपी, और 80 क्वेश्चंस यानी कि 80 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट से। अब अगर बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 25% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 20%। देन आपका होगा पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा 100 मार्क्स का, उसमें आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स रहेंगे और रिजर्व कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स रहेंगे आपके 35 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो ये था गाइज इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, और आगे भी इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।